नहीं, 2014 के बाद नया भारत बना क्या? पहले नया भारत नहीं था क्या? पहले आप आत्मनिर्भर थे हैं? ओहो हो, आत्मनिर्भर ने तो बड़ा कुछ किया, मेक इन इंडिया भी चलाया। हर जो एक सांसद को मैंने एक गांव दे दिया, वो गांव में लोगों को बेहतरीन के लिए काम करेगा। वो सांसद कहाँ गए, वो गांव कहाँ गए? अभी 24 के बाद ये सारी बीजेपी परेशान हो गई। अच्छा, सारी बीजेपी परेशान हो गई 24 के बाद। ये चलेगा अमृतकाल महोत्सव का, लोगों को जहर दिया जा रहा है। लोगों को जहर दिया जा रहा, अमृतकाल नहीं है, लोगों को जहर दिया जा रहा है। विरोध कर रहा हूँ, करूंगा विरोध। गाली नहीं, गाली नाम नहीं दिया, विरोध करेंगे, डट के करेंगे। बेटियों के समर्थन में किस तरह? बेटियों के समर्थन चाहिए, इनको देना चाहिए, न्याय देना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मांग थी वो हो गई बहुत वाली। FIR सुनिए, मेरी बात सुनो आप, मुझे FIR मत कहिए। FIR होगी, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? जवानों के पहले ये अमर जवान ज्योति थी, जवानों को प्रणाम करते हमने, जल रही थे ना। दूसरा बनाने की क्या जरूरत है भाई? तुम देशद्रोही काम कर रहे हो, देशद्रोही। क्या ये अमर जवान ज्योति जल रही है, दूसरा बनाने की क्या जरूरत थी? अपना सिक्का जमाना चाहते हो क्या? पार्लियामेंट बनी हुई थी, दूसरी पार्लियामेंट किस लिए बना रहे हो भाई? पहले पार्लियामेंट तुम चलने नहीं दे रहे, जगह कहाँ पड़ रही थी? नए भारत का निर्माण कर रहे हैं ना अरुण जी। नया भारत तो पहले कभी बना ही नहीं, 2014 के बाद बना नया भारत है? निर्माण हो गया भारत? नहीं, 2014 के बाद नया भारत बना क्या? पहले नया भारत नहीं था क्या? आत्मनिर्भर थे? ओहो हो, आत्मनिर्भर ने तो बड़ा कुछ किया, मेक इन इंडिया भी चलाया। हर जो एक सांसद को मैंने एक गांव दे दिया, वो गांव में लोगों को बेहतरीन के लिए काम करेगा। वो सांसद कहाँ गए, वो गांव कहाँ गए? इन्होंने कहा था, घोषणा की थी कि मैं एक गांव में MP जाएगा, एक गांव दे देंगे हर MP के गांव। वो MP का तो काम ही है विरोध करना, क्या किया जाए? तो ये विरोध नहीं करते थे क्या? ये जब सत्ता में नहीं थे ये विरोध नहीं करते थे? ये तो पार्लियामेंट नहीं चलने देते, ये बसों में आग लगाते थे, तोड़फोड़ करते थे, ये विरोध नहीं करते थे? ये शांति से बैठते थे, उनको अपना टाइम याद नहीं है? 410 रुपये का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी विरोध नहीं था वो? 1158 में इनको विरोध नजर नहीं आता क्या? ये विरोध नहीं करते थे क्या? इनकी स्मृति ईरानी विरोध नहीं करती थी क्या? सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज विरोध नहीं करती थी क्या? सब लोग विरोध नहीं करते थे क्या? ये विरोध कर रहे थे, विरोध करना हो क्या? अरे साल के अंदर पूरा उद्घाटन होने जा रहा है। अभी 24 के बाद ये सारी बीजेपी परेशान हो गई। अच्छा, सारी बीजेपी परेशान हो गई 24 के बाद। ये चलेगा अमृतकाल महोत्सव का, लोगों को जहर दिया जा रहा है। लोगों को जहर दिया जा रहा है, अमृतकाल नहीं है, लोगों को जहर दिया जा रहा है। चाहे आप चावल ले लो, होटल में चावल आ रहा है ना, जो ये वो जहर दिया पवन खेला जी ने भी किया। तो ये इनका कुछ काम नहीं है, कोई काम इनका ठीक नहीं है, कोई भी काम इनका, ना कोई काम ना इनका कोई विरोध। अब ये सर, मुझे लोकतंत्र है, जनता ने जिताया है, विपक्ष ने नहीं जिताया। सर ऐसा है, ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक पुलिस जनता के लिए होती है ना, पुलिस जनता के लिए होती है, वकील जनता के लिए होते हैं, जज जनता के लिए होते हैं। जब तीनों की ना सुनी जाए, समझो लोकतंतर खतरे में है। लोकतंत्र आज खतरे में है। राहुल गांधी मेरे नेता बोलूंगा, बब्बर शेर है राहुल गांधी, उसका सिपाही बोलूंगा, चीना ठोक के बोलूंगा। ये पप्पू बताया जा रहा है, बब्बर शेर तो मोदी जी को कहा जाता है। पप्पू ने तो दिखा दिए नज़ारे, तारे दिखा दिए, कर्नाटक से भी, आपके हिमाचल से भी, अभी आगे और दिखाएगा 24 में गई, समझो बीजेपी गई, गुम हो जाएगी। अच्छा अरुण जी, आप आए दिन कार्यक्रम करते रहते, अब आगे की क्या रणनीतियाँ हैं, कैसे? देखिए ऐसा है, जैसे ये सरप्राइज करते हैं ना, मेरा भी सरप्राइज रहेगा। रात को उठते हैं नोटबंदी, सुबह उठे रात को 12 GST, सुबह उठा चलो जी आप राफेल की डील कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो मैं भी सरप्राइज करूंगा। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, तो हम भी सरप्राइज देंगे आपको। यहाँ परसों मंडे प्रोग्राम करेंगे, आइएगा जरूर, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहेगा। सरकारों को इन्वाइट कर रहे हैं? बिल्कुल इन्वाइट करेंगे। क्या वाले हैं? इनवाइट करना अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारे संस्कार हैं कि इनवाइट करना चाहिए सबको। ये सब AICC देता है? कौन? ये जो प्रोग्राम है सब AICC देते हैं? कौन? मैं? रणनीतियाँ कह रहे हैं, कहाँ से लाते हैं? ऐसा देखिए, मेरे जो नेता है ना, हम उन जो हमारे जो विचार हैं हमारी पार्टी के, वो देश के प्रति हैं, लोगों के प्रति होते हैं। इनकी तरह नहीं कि एक आदमी के प्रति है, या जो मोदी जी ने कह रहे सारे उसके पीछे वो कर दे। राहुल गांधी नहीं, सुनिए आप मुझे एक बताइए, ट्रंप बहुत अच्छी बात है, अरे ओहो हो, बहुत अच्छी बात है। ये मेट्रो में जा सकते हैं राहुल गांधी, ट्रक में नहीं जा सकते हैं? मोदी जी ट्रक में, मेट्रो में जा सकते हैं? जरा जरा एक स्टेशन का मेट्रो का उद्घाटन करते हैं, राहुल गांधी ट्रक में बैठ गए, उनका दर्द जानने गए, उसका पूछने में क्या दिक्कत है? बेटियों के लिए भी बोल दीजिए। बेटियों के लिए सर, मतलब राहुल गांधी के लिए आए हैं या बेटियों के लिए आए हैं? सर मैं बेटियों के लिए पहले दिन से हूँ। आज बोल दीजिए। नहीं मैं ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए नहीं, इन्होंने सवाल किए ना, मैं गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं दी, विरोध कर रहा हूँ, करूंगा विरोध। गाली नहीं, गाली नाम नहीं दिया, विरोध करेंगे, डट के करेंगे। बेटियों के समर्थन में किस तरह? बेटियों के समर्थन चाहिए, इनको देना चाहिए, न्याय देना चाहिए,
न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर सुनिए मेरी बात, सुनो आप, मुझे एफआईआर मत कहिए, एफआईआर होगी, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा ब्रिजभूषण, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, वो भी तैयार है। सुनिए, शिकायतकर्ता का नार्को टेस्ट नहीं होता, ये ला है 164 का बयान होता है, 164 बयान होता है जज के साथ मेट्रोपोलिटन। क्या ये तो वो करता रहा ना, ये तो इन्होंने उजागर किया, पता नहीं कब से वो शोषण करता होगा, ये तो इन्होंने बहुत इनकी मेहनत है, इन्होंने उजागर कर दिया, देश की कई बेटियों को बता दिया कि आप लोगों को आगाह कर दिया, बचाया कई बेटियों को, तो ये सरकार सो रही है। हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि इस आंदोलन नहीं सर, देखिए इन बेटियों के आंदोलन देखिए, देखिए देखो सही है नहीं सर, देखिए राजनीति नहीं हम कर रहे, बेटियों के लिए राजनीति करना सबसे जुर्म है, जुर्म है। नहीं, मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ, कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस का मतलब ये थोड़ी राजनीतिक पार्टी से मैं इनके उनके से फेवर ही करूँगा, खड़े होंगे पार्टी मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि जानकारी यहाँ पर तमाम लोगों को नहीं होगी कि पटियाला हाउस में एक याचिका डाली गई है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट पर, ये कहते हुए कि यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं वो ब्रजभूषण और मोदी जी का अपमान करने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो किसी का भी अपमान करने को छूट है क्या? मोदी जी घर बैठे किसी का भी अपमान कर दे, ब्रजभूषण किसी का अपमान कर दे, उनको छूट है क्या? संविधान में है कि वो जो भी अपमान का बदला आप अपमान से लेंगे, संविधान से नहीं। ये अपमान का बदला नहीं, ये अपमान इनका हुआ है, ये न्याय मांग रही है, अपमान इनका हुआ है, ये न्याय मांग रही है सरकार से, न्याय मांग रही है। एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? कभी ऐसा हुआ पॉक्सो एक्ट में और गिरफ्तारी ना हो, तुरंत गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं की जा रही गिरफ्तारी? कल क्या होना है? कल पूरा घेराव होगा, पूरा संसद का घेराव होगा, पूरे देश से लोग तैयारियां हैं कल की 28 को, तो कल देखेंगे, कल आएगा पता लगेगा, सब सामने आ जाएगी, सबसे पूरी महिलाएं आएंगे, पूरी पंचायत होगी, चारों तरफ से सील किया जाएगा, चेक कर दें, हमारी आवाज है, अगर सील कर दें, ये भी आवाज हो जाएगी, सील कर देंगे, पता लगेगा बंद डेमोक्रेसी कहाँ रही, फिर सील कर देते हैं, डेमोक्रेसी कहाँ है, सारे रास्ते बंद होंगे, तो बंद कर दिया तो मतलब पहले किसानों का नहीं बंद किया था, सड़कों में कील गाड़ दिए थे, हैं ब्लेड की तारे लगा दी थी, क्या किया सरकार ने बताओ, तो कितना दमन करेंगी, ये दमन करेंगी सरकार? चलो बहुत किसानों पे आई, क्या तैयारी है कल की? देखिए हम भारत के किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ है, हमारे ही जवान है, हम ही किसान है और हम ही देश को पहलवान देते हैं, जो मेडल जीत कर लाए ये किसान और मजदूरों के ही बच्चे हैं, पर जब इनकी नहीं सुनी जा रही, आज 34 दिन इन बच्चों की बच्चियों को हो गए, तो एक आम नागरिक या आम बच्ची की कौन सुनने वाला है? कुछ भी कर सकते हैं गुंडे, कहीं सड़क पर किसी को खींच सकते हैं, हम न्याय दिला के जाएंगे और जब तक न्याय नहीं होता, जब तक यहाँ रहेंगे डटे रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।